हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर को दिए कई सौगात। एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई योजनाओं का भी सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम के काफिले में हुई बड़ी चूक, सीएम नीतीश कुमार को गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा, सीएम के वाहन पर भी फेंकी स्याही, मामले में एक की हुई गिरफ्तारी। विकास कार्यों में भेदभाव के मुद्दे पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का हल्ला बोल, कहा आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने पर करेगी विचार। बाढ़ और भागलपुर में बाढ़ का बरपा कहर, गंगा के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि से बंडा दियारा हुआ जल पल्लवित। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं प्रीति और इस वक्त के बुलेटिन में हम सबसे पहले बातें करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया, साथ ही कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। अब एसकेएमसीएच में मातृ शिशु सदन काम करने लगेगा, इसके साथ ही प्रसव की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी, इसके लिए तमाम तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार को गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया, यही नहीं सीएम के वाहन पर भी गरीब जनक्रांति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंक दिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में तैनात और सीएम के विशेष सुरक्षा कर्मियों ने सभी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और इसके साथ ही एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गिरिराज सिंह ने कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे, जहां उन्हें विकास कार्यों में भेदभाव नजर आया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर जरूरत महसूस हुई तो बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करेगी। वहीं गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी पाली के समापन के साथ ही उनकी भी राजनीतिक जीवन की समाप्ति हो जाएगी। अब तो मेरा राजनीति का अलविदा का समय आ गया। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बना हमने कभी सोचा नहीं था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यही नारा लगाते हुए हम कार्यकर्ता की भूमिका में आए थे। अब सभी चीजें पूरा होता हुआ देख रहे हैं, हमें उम्मीद है ये 5 साल में हम कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी हो जाएगी, उसके बाद राजनीति करने का क्या उद्देश्य। बाढ़ अनुमंडल का बंडा दियारा गंगा के जल स्तर में बेतहाशा वृद्धि की वजह से पूरी तरह जल पल्लवित हो चुका है। जल पल्लवित के बाद बंडा दियारा से भाग कर आए शरणार्थी अनुमंडल अधिकारी आवास के ठीक पीछे गंगा के तट पर कई दिनों से शरण लिए हुए हैं। वहां बाढ़ नगर परिषद की ओर से एक सुलभ शौचालय बना हुआ है, जो उद्घाटन के इंतजार में अब तक बंद पड़ा है। शरणार्थी उस शौचालय का प्रयोग करना चाह रहे हैं, जबकि व्यवस्थापक द्वारा उसका ताला नहीं खोला जा रहा है। मजबूरन इन लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को, नाव का सहारा लेकर उफनते गंगा में ही शौच करना पड़ रहा है। बता दें कि यह प्रदूषण मुक्त गंगा और नमामि गंगे जैसी सरकारी योजनाओं के मुंह पर भी करारा तमाचा है। अभी है तो दीजिए, हम हमारे बाल बच्चा सब कष्ट में है, गंगा जी हम सब शौचालय करवाते बाल बच्चा के लिए, लेकिन बंद रहता दिन तो चाबी। हाँ, ये बंद रहता है, खुला कभी नहीं रहता। तो मतलब इनका चाबी किनके पास है? अब क्या गया सर, हमें पता नहीं है। गोविंदपुर, परशुरामपुर, बाकरपुर मुख्य मार्ग बाढ़ को लेकर बाधित है। वही आवागमन को लेकर वहाँ की जनता के लिए नौका की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन के अनुसार बाबूपुर, मधुबन, टपुआ, पीरपैती क्षेत्र के दियारा में गंगा का पानी चारों ओर
शोर से घिरा है। यहाँ के मवेशी पालने वाले ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं सब्जी और मिर्ची की खेती डूबने के कगार पर है तो कहीं घर में भी पानी घुस चुका है। सबसे बुरी हालत बाबूपुर पंचायत की है, जहाँ से हॉस्पिटल लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ ना कोई व्यवस्था है और न ही सरकार की इस पर नजर ही है। चलते जो है किरपैती से इधर दियरा क्षेत्र में जाने के लिए यहाँ पर ना अभी रोड कट गया है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, ठेवना में पानी हो गया है और गाड़ी उड़ी जाने से मोटरसाइकिल जाने में सुविधा है, इसलिए यहाँ पर दो नाव की व्यवस्था की गई जाने के लिए। और अभी पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा जी। और जहाँ तहाँ है सरकार के आपदा के निर्देशानुसार जहाँ भी ऐसी असुविधा है, जाने आने में दिक्कत हो, वहाँ नाव की व्यवस्था की जा रही है जी। और जो सर व्यक्तियों के लिए नहीं है कि कैंप चलाया जा सके जी जी। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर ने पटना के कुर्जी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना किया। डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि LCT घाट से दीघा घाट के बीच नदी के किनारे तक बने घरों के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने का आग्रह किया है। बात करें सुपौल की तो पंचायती राज विभाग के अकाउंटेंट की बहाली में विलंब करने को लेकर अभ्यर्थियों ने सुपौल जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वही अभ्यर्थियों ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अकाउंटेंट की रिक्ति में अनावश्यक रूप से विलंब किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों में रिक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसमें सुपौल जिला में बहुत ही देरी हो रहा है, इसी संबंध में हम लोग DM साहब से मिले हैं। DM साहब बोले हैं कि 2-3 दिन के अंदर हम देख लेते हैं इसको, ये PRO साहब आ जाते हैं तो हम करवा देते हैं, लेकिन ये 5 जुलाई से ही बोला जा रहा है, अभी तक इसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। जब भी मिलते हैं तो 10-12 दिन का या 5-7 दिन का, 1 सप्ताह का, और मतलब ये मिलता है, डेट मिलता है हम लोग का PRO सर से और DM सर से। लेकिन के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहाली हो चुकी है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट ही एक ऐसा है जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये हम लोग इस मामले में तकरीबन 1 साल से इसके पीछे हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, DM से मिलते हैं, DPRO से मिलते हैं, सिर्फ उन्होंने आश्वासन दे रहे हैं, इसमें कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के बैनर तले मसौरी डाक बंगला गेट पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व प्रदेश महासचिव मुकुल कुमार शर्मा और अधिवक्ता महेंद्र सिंह अशोक ने किया, जबकि मंच का संचालन नफीस आलम ने किया। बता दें कि डाक बंगला का जीर्णोद्वार परिसर से जल जमाव का निदान और इसके सब्जी मंडी को अलग से वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। चल कर करके कुछ शिक्षा बीत खड़ा है, कुछ समाज सेवी खड़ा है, कुछ जो है ठेला वाला खड़ा है, कुछ जो है भुंजा वाला खड़ा है, कुछ किसान खड़ा है। कैमरा का स्क्रीन आप लेंस इधर कीजिएगा तो देखिएगा कि जो इसमें गुलजार हुआ करता था डाक बंगला, जो आज कूड़े के ढेर में और पानी के बहाव में तब्दील है। लोग वर्षों से नाक बंद करके आते हैं और जाते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो हमारी मांगे हैं कि मसौढ़ी में ये एक समस्या नहीं है, ऐसी बहुत सी समस्या है जहाँ पे कूड़े का ढेर है और देश में एक कदम स्वच्छता की ओर चल रहा है और वह उसका यह नमूना पेश कर रहा है डाक बंगला। क्या स्वच्छता अभियान है देश में, कहाँ सफाई है? कचरा लिया जाता है और इसी को बीच शहर में ही उसको रख दिया जाता है। जी हाँ, स्वच्छ भारत का जो सपना हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी ने देखा, वो पूरे हिंदुस्तान में जो है साकार हो चुका है। लेकिन ये जन अधिकार पार्टी के बैनर तले जिसको धरना स्थल बनाया गया है, कोई मामूली सी जगह नहीं है। 1990 में यही डांगमंगला गुलजार हुआ करता था और आज देखिए जो 29 वर्ष पहले डांगमंगला गुलजार हुआ करता था, इस देश का भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति सज्जन भी यहाँ आए थे,
वही आज आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए। स्वच्छ भारत का जीता जागता उदाहरण इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो जन अधिकार पार्टी के बैनर तले एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, आज जो है नगर परिषद की जो मुख्य मांगे हैं, जो आम जन से जुड़ा हुआ है, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर जन अधिकार पार्टी ने आज आंदोलन की शुरुआत की है। आने वाले समय में अगर इस एक दिवसीय धरना से सूबे के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, शहरी मंत्री सुरेश शर्मा जी और नगर परिषद का अध्यक्ष साहब, नगर परिषद के उपाध्यक्ष साहब अगर नहीं चेते तो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगा तो जन अधिकार पार्टी के बैनर तले और नगर परिषद में पूरा का पूरा ताला बंद किया जाएगा। मोकामा प्रखंड कार्यालय परिसर में विशेष अन्न प्राशन दिवस समारोह काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस रंगारंग समारोह का उद्घाटन घोसवरी बीडीओ राकेश रोशन ने फीता काटकर और दीप जलाकर किया। इस मौके पर सीडीपीओ रीता कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के सौजन्य से प्रदर्शित पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, साथ ही गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से कुपोषण से बचने की नसीहत भी दी। अरवल जिले के नगर भवन में जल जीवन हरियाली को लेकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन अरवल जिला अधिकारी रविशंकर चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वही कार्यक्रम के उद्घाटन के उपरांत रविशंकर चौधरी ने कहा कि प्रकृति से छेड़छाड़ के वजह से वर्तमान परिवेश में लोग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में जिले के तमाम लोगों को चाहिए कि कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन हो गया है और इस कार्यशाला में सभी जो इससे जुड़े हुए हैं वो लोग अपने अपने विचार रखेंगे। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर दलालों का अड्डा बनते जा रहा है और पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। बता दें कि दलालों ने तत्काल टिकट के लिए लाइन में खड़े एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।